पतलू ये देखो क्या लिखा है, एक हफ्ते में तबला बजाना सीखो। मुझे तबला बजाना सीखना है, मुझे तबला सीखना है। तुम्हें पता है कि मुझे तबला कितना ज्यादा पसंद है। अरे वो तो छोड़ो ना, हम लोग यहाँ घूमने के लिए आए हैं, तबला सीखने के लिए नहीं। वो तो तुम इंडिया में भी सीख सकते हो। अरे नहीं नहीं, हम लोग 1 वीक के लिए यही है और ये 1 वीक में ही सिखा रहे हैं। अरे नहीं मोटो नहीं, ये नहीं हो सकता। नहीं नहीं, तुम लोग मेरे मन की कभी नहीं करने देते हो। अरे मेरे भोले बच्चे, चुप करो चुप करो। तुम भी ना किसी जिद्दी बच्चे से कम नहीं हो। जाओ जाओ, तुम क्लासेस ज्वाइन करो, हम घूम कर आते हैं। क्या बात है, बढ़िया, बहुत बढ़िया, कमाल है, बहुत अच्छा, वाह वाह, क्या ताल है, क्या रिदम है, क्या बढ़िया तबले पे थपकी है। प्रणाम गुरुजी। जीते रहो। बाय बाय बाय। प्रणाम प्रणाम, मेरा नाम मोटू है, मैं अपने दोस्तों के साथ फुरफुरी नगर से बॉलिन घूमने आया हूँ। क्या आप मुझे तबला बजाना सिखा देंगे प्लीज? फुरफुरी नगर, बढ़िया, बहुत बढ़िया, मैं वहाँ जा चुका हूँ, आपको जरूर सिखाऊंगा, ना धीर देना। गुरुजी, आपकी फीस कितनी है? अगर आप सीख लोगे तो फीस ले लूंगा नाधिर धन्ना, नहीं सीख पाए तो नहीं लूंगा नाधिर धन्ना। मैं तबला सिखाने के बाद ही फीस लेता हूँ। चलो कुछ बजा के दिखाओ नाधिर धन्ना, देखो तुम्हें कितना आता है। प्रणाम। धाधिन धिन्दा, धाधिन धिन्दा, नाधिन धिन्दा, धाधिन धिन्दा, धाधा 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 धाधा, धाधिन धिन्दा, धाधिन धिन्दा, धाधिन धिन्दा, धाधिन धिन्दा, धाधिन धिन्दा। वाह क्या खुशबू है। मोटू ये मैथिली है, मेरी पत्नी मैथिली, ये मोटू है, फुरफुरी नगर से आए हैं। फुरफुरी नगर से हम लोग वहाँ जा चुके हैं और वहीं से मैंने ये समोसे बनाना सीखा है। ये लीजिए समोसे खाइए। समोसे 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 समोसे। लगता है आपको बहुत भूख लगी थी, तो प्रैक्टिस शुरू करें। नहीं गुरुजी, मैं समोसे ऐसे ही खाता हूँ, समोसे मेरे फेवरेट है। धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा धिन धिन। अरे वाह, आपको तो कितना अच्छा बजा आता है, आपको टीचर की कोई जरूरत नहीं है। ना धिन धिन धा, धा धिन धिन धा। अरे यहाँ इतना अंधेरा कैसे हो गया, लाइट ऑन करो। अरे कोई मेरे सिर से तबला निकालो। अरे मदद करना चाह रही हूँ। अरे ये निकल ही नहीं रहा। अरे कोई मुझे ये क्या हो रहा है, कोई मेरे सिर से तबला निकालो। अरे निकालो गुरुजी, मोटू तुम भी निकालो। ये क्या किया? सॉरी गुरुजी, पहले दिन ही मैंने आपका कितना नुकसान कर दिया, वेरी सॉरी। मैं सुने पापड़ वाले ने, मेरे भाई मोटू ने जो नुकसान किया है, हम उसका पूरा हर्जाना देंगे। बोलिए कितना हुआ? ये सब एंटीक पीस हैं, इनकी कीमत करीब 10-15 करोड़ यूरो होगी।
बड़ी बात नहीं, कोई बात नहीं। मोटू कल सुबह से क्लास में आ जाना, ओके? ओ गुरुजी, आप महान हैं। इतना नुकसान होने के बाद भी आप मुझे सिखा रहे हैं। थैंक यू गुरुजी, प्रणाम गुरुजी, प्रणाम। Please come, sir. मजा आ गया यार। पतलू, ये तबला खरीद लेते हैं, घर में प्रैक्टिस करने के काम आएगा। हाँ, खरीद लो। क्लास में जाना है जल्दी, पहुंचना है जल्दी से। बाय बाय पुतलू। मेरा सिर तबला नहीं है। सॉरी, वेरी सॉरी पतलू। अब नहीं सुधरेगा। हाँ, दिखाओ आज क्या क्या सीखा है। अभी लो गुरुजी। धा धिन धिन धा 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 धिन 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 ना धिन धिन धा धा धिन। बहुत अच्छे। ना धिन 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 खुशबू। समोसे समोसे। तुम किधर जा रहे हो? समोसे 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 समोसे। ये सब क्या कर रहे हो? मैथिली, तुम्हारा रंग आज बहुत गोरा हो गया है। किस ब्यूटी पार्लर से होके आई हो? जरा शीशा तो देखो। मैं तो मोटू ब्यूटी पार्लर से आ रही हूँ। सॉरी गुरुजी, क्या करूँ, समोसे की खुशबू सुनते ही सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाता है। सॉरी की कोई बात नहीं, जाओ तबला सीखो, मैं किचन साफ करती हूँ। मोटू ने अपने कारनामों को सिलसिला चालू रखा है यारी। गुरु माकवाना जी, इसको माफ कर दीजिए, ये गलती से मिस्टेक कर देता है। बहुत दिनों बाद हंसने का मौका मिला है। वैसे भी आज ट्रेनिंग का आखिरी दिन है। आओ मोटू, अपने दोस्तों को तबला बजा के दिखाओ। हाँ मोटू, सुनाओ इनको।
यार मोटू, तुमने तो सीख लिया। हाँ मोटू, तुमने तो कमाल कर दिया। दिल से बहुत अच्छा इंसान है वो। जितने जल्दी इसने सीखा है कोई नहीं सीख पाता है। मुझे तुमसे मिलके बहुत प्रसन्नता हुई। मुझे भी आपसे मिलके बहुत खुशी हुई, लेकिन मुझे बड़ा दुख है कि मेरी वजह से आपका बहुत नुकसान हुआ। कोई बात नहीं, तुमने इस घर में बहार ला ली। सच में ये तो हंसना भूल ही गए थे। आप हमारे घर फिर से खुशी ले आए। मोटू, इस जगह को टॉप ऑफ यूरोप कहते हैं। दो लोग पकड़ के एक घाटी में कूद गए। मैं वॉकी टॉकी ऑन करके सुनता हूँ क्या असल में हुआ क्या है। कुछ लोग केबल कार से दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट कश्यप को किडनैप कर ले गए हैं। ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। मोटू मेरे भाई मेरी यार, इसमें बता रहे हैं कि कुछ गुंडे किसी साइंटिस्ट कश्यप को किडनैप करके ले गए हैं। मोटू जल्दी चलो, उन्हें बचाना होगा। हाँ हाँ पतलू चलो, उन्हें बचाते हैं। अरे मोटू चलो का मतलब ये नहीं था कि कूद जाए। सॉरी सॉरी, गलती हो गई। मोटू मैं आ रहा हूँ। सॉरी, मेरी वजह से अब हम दोनों ऊपर वाले के पास जाएंगे। सॉरी, दोनों आप ये मार रहे हैं। थैंक यू बड़े भैया, चलो अब उस साइंटिस्ट को बचाते हैं। वो देखो दूर उस तरफ जहाँ धुआं दिख रहा है, वहीं पे वो लोग होंगे। जल्दी चलो। आग जला रहे हैं। चिंगम के चंगुल से बचना इम्पॉसिबल। मैंने ऐसे कई केसेस सॉल्व किए हैं। आप पूरा भी है। बेबुन के फेस में साइंटिस्ट को चुरा के ले आए हैं। ये अपराधी, तुमने भेष तो अच्छा बदला है, लेकिन ये भूल गए कि बेबुन आग नहीं जलाते। मोटू पकड़ लो इन्हें। अम्मा अभी लो चिंगम सर। कोई असली बेबुन आग नहीं जलाता है। बेबुन के भेष में हो, उल्लू बना के हो। चलो निकालो मास्क। इसका मास्क बहुत टाइट लगा है। पतलू, ये बेबुन तो असली लग रहे हैं। भागो रे, भागो बेबुनाया। ये किसका आइडिया था? इनका, चिंगम सर का। अच्छा आपका। अब ओवर। बहुत मारा
जमीन पे कुछ निशान है। मुझे पुलिस में ट्रेनिंग दी गई है पैरों को निशान को फॉलो करके अपराधियों को कैसे पकड़ते हैं। आओ मेरे साथ, अब अपराधी बच के नहीं निकल पाएगा। अपराधी वहाँ छुपे हैं, लेकिन वो नहीं जानते कि चिंगम के चंगुल से बचना ये इम्पॉसिबल है। बोले तो ये इम्पॉसिबल है, समझा क्या? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या 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 हुआ? आप ही देख लो। बाहर निकल, किसने मेरे दोस्त को मारा? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। टाइगर, हमने तुम्हें छोड़ दिया, जाओ अपने घर जाओ, जाओ। निशान फॉलो करके अपराधी को पकड़ने वाला आइडिया किसका था? अरे भाई ओवर भी बोल दो तो मैं आ सकूं। ओवर? अरे मोटू, तुम्हें अभी नहीं ओवर बोलना था? बापू रे, ओ टाइगर बापू, ओ टाइगर, अरे मरे, भागो। पतलू, खाली पेट मेरे नाक की बत्ती नहीं चलती, कुछ सोचो, साइंटिस्ट को कैसे ढूंढे? आइडिया है, हम जैसे और लोग भी आए हैं, वो किधर है? थैंक्स अ लॉट। मेरे सब्र का इम्तिहान बदलो, हाँ जज भी करो। जल्दी करो, टाइम वेस्ट मत करो, वरना मैं तुम्हारे बेटे को भी यहाँ बुला लूंगा। कर रहा हूँ, बस हो गया, प्लीज मेरे बच्चे को यहाँ मत लाओ। ये लो आपका फॉर्मूला, अब मुझे जाने दो प्लीज। अब आएगा मजा। अब मैं तुम्हारे इस केमिकल से माउंटेन्स के माउंटेन्स को बारूद में बदल दूंगा। फिर मैं बहुत बड़ा एक्सप्लोसिव एक्सपोर्टर बन जाऊंगा और फिर दुनिया भर के लोग मुझसे एक्सप्लोसिव खरीदेंगे। अब मैं जो चाहूं वो बर्बादी कर सकता हूं। क्यों नहीं कर सकता? तुम कौन हो? हाँ, मैं मोटू और ये पतलू, ये हमारे दोस्त इंस्पेक्टर चिंगम, डॉक्टर झटका और घसीटा राम। माय नेम इज चिंगमा, इंस्पेक्टर चिंगमा। चिंगम के चंगुल से बचना ये इम्पॉसिबल है, ये इम्पॉसिबल है। यू आर अंडर अरेस्ट। ये कैसा पुलिस वाला है? इस पुलिस वाले को भी अंदर कर लो, गन मारते ही नारियल गिरते हैं, वो भी काम आ सकता है। नारियल को हम एक्सप्लोसिव बना देंगे। हाँ।
इसे संभाल के रखता हूँ। पकड़ो उसे। अरे मेरा फॉर्मूला। पकड़ के दिखा। लाओ यहाँ पे। कोई ले लो वो फॉर्मूला। अरे हटो। अरे। मारे क्या? अरे कोई रोको उसे। रुको। अरे कैसे लग रहा है? अरे क्या कर रहे हो? हम सरेंडर करते हैं। हम सरेंडर करते हैं। चलो अब जेल यात्रा की तैयारी करो। थैंक यू मोटू पतलू। तुम लोग ना आते तो पता नहीं क्या होता। खाने बहुत टेस्टी है यारी। मम्मी मम्मी मुझे कोई टॉय दिला दो प्लीज। मम्मी वो देखो। मम्मी मम्मी मुझे चलने वाला टावर ऑफ पिसा चाहिए। मुझे चलने वाला टॉय चाहिए। अरे बेटा ये चलता नहीं है, ये खाली ऐसे ही रहता है। नहीं ये दौड़ेगा तो मजा आएगा ना, है ना मम्मी? अरे अब मैं कैसे दौड़ाऊं इसे, ये ऐसे ही रहता है। मम्मी मुझे तो दौड़ने वाला पिसा टावर ही चाहिए। भैया देखो बच्चे को दौड़ने वाला टावर ऑफ पिसा चाहिए। आप ही कुछ हेल्प कर दो ना, बेचारा बच्चा खुश हो जाएगा। यार मोटू तुम कह रहे हो तो मैं भी इसे दौड़ने वाला बना देता हूँ। बेटा छोड़ो इसे। बेटा मैं तुम्हारे लिए इसे दौड़ने वाला बना देता हूँ। लो यार देखो। ये वाह वाह कितनी अच्छी लग रही है, कितनी अच्छी लग रही है। मैं हूँ साइंटिस्ट लवासा और मेरा ड्रीम है छोटा सा। आइडिया मिल गया है बड़ा सा, अब पूरा होगा मेरा ड्रीम। मेरा नाम है साइंटिस्ट लवासा, मेरा ड्रीम है छोटा सा। सेम वैसा ही गैजेट बनाया है मैंने। आज तो ये पिसा टावर लेकर ही जाऊंगा। अरे टावर पिसा नीचे गिर रही है, नीचे गिर रही है। अरे ये क्या हो रहा है? पिसा टावर तो छोटी होके भाग रही है। रोको उसे। रुक जाओ यार, कैसे मेरे बच्चों की संभाल के। ये लोग कहाँ से आ टपके? लवासा का ड्रीम है छोटा सा, उसमें ये अड़ंगा लगा रहे हैं बड़ा सा। अरे भागो भागो। अरे कैसे रोके इसे? लगता है कोई पूरी टावर ही चोरी करके ले जा रहा है। अरे ये लोग तो मैग्नेट की तरह चिपके हुए हैं। इनसे पीछा छुड़ाना ही होगा। बहुत हो गया, बहुत हो गया। बचाओ।
ये टावर ऑफ पिसा को दौड़ाने का काम तो एक ही आदमी कर सकता है। हाँ पतलू, हाँ ये एक ही आदमी कर सकता है, लेकिन कौन पतलू? उधर देखो, दम झटका, यू आर अंडर अरेस्ट। नहीं मेरे प्राण, मेरे पाई, मैं ये नहीं कर सकता। ओ मुटु मेरे पाई, ये मैंने नहीं किया। पतलू मेरे यकीन करो, ये मैंने नहीं किया यार। अरे किया तो आप नहीं है, बस अब ये जानना है कि आपने ऐसा क्यों किया। आइए तहकीकात करके आते हैं, चलिए। मैंने ये नहीं किया यारी। मुजरिमों से राज उगलवाने की ट्रेनिंग हमें स्पेशली दी जाती है। मैं अब भी उगलवाता हूँ। छोड़ दो यार, मुझे छोड़ दो यार, कहाँ ले जा रहे हो? सब मिलकर कुछ मारो जाए। मेरे पापा यार, ये मैंने नहीं किया, नहीं किया, नहीं किया यार, मैंने नहीं किया मेरे भाइयों। मैं भी समझ गया। बड़े भैया ने नहीं किया तो फिर ये किसने किया होगा? पता लगाते हैं। याद करो, याद करो, हमारे आसपास वो कौन सा आदमी खड़ा था जो बड़े भैया ने वो पिसा को दौड़ाने वाला बना दिया था? नॉर्मल आदमी तो ये सब कर ही नहीं सकता। रुको 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 रुको, मुझे याद आया, कोई तो था, मैं उसका स्केच बनाता हूँ। ये देखो, यही वो आदमी है। आयम, यस यस, देखता चिंगम कभी चेहरा नहीं भूलता। अब क्या करे पतलू, खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती रे। आइडिया, कुछ लोगों ने ये तस्वीर भेजी है और कहा है कि टावर ऑफ पिज़्ज़ा की चोरी किसने की है उन्हें पता है, और उनके पास इस बात के पूरे सबूत भी हैं। वो लोग जंगल के बीचों बीच छुपे हैं और कहा है कि पुलिस का सिर्फ एक आदमी आए, वो उसे ही सारे सबूत देंगे। अरे ये तो गड़बड़ हो गई, जाओ जाओ उन्हें पकड़ के लाओ, जाओ वरना सब गड़बड़ हो जाएगी। बॉस उन्हें पकड़ के ले आए। पकड़ के ले आए, लेकिन थोड़ा सा चेंज है, ये हमें पकड़ के नहीं लाए, हम इन्हें पकड़ के लाए हैं। सॉरी गाइस, मैं हूँ डॉक्टर लवासा, मेरा ड्रीम था छोटा सा, मेरी आज ही शादी हुई है। आइए देखिए, मैंने उस टावर ऑफ पिसा को गिफ्ट करने का वादा किया था, इसीलिए ये सब किया। उस दिन मैंने डॉक्टर झटका को पिसा मॉडल दौड़ाते देखा तो मुझे ये आइडिया आया और मैंने उस पे अमल कर दिया। आ गई तुम, आओ आओ। वो लोग जंगल के बीचों बीच छुपे हैं। ये लोग टावर ऑफ पिसा के चोर हैं। अरे मैंने इनको न्यूज में देखा, पुलिस पुलिस बुलाओ कोई, तब तक मैं इन्हें रोक के रखती हूँ। बोलो क्या चोरी करने के लिए आए हो यहाँ? रुको अभी दिखाती हूँ तुम सबको। अरे ये कहाँ फंस गए? जो कहना है बाद में कहना, पहले पुलिस बुलाओ। इन चोरों को पकड़वा के ही रहूंगी। स्टॉप इन द नेम ऑफ लॉ। अरे ये सब क्या है, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? दरअसल कहानी बहुत लंबी है, इसलिए वो सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। पहले तुम देखो तो कि मैंने तुम्हें शादी में क्या गिफ्ट दिया है। इतना बड़ा गिफ्ट, क्या है इसमें? एक मिनट,
अरे तुम सच में टावर ऑफ पीसा ले आए? मैंने तो मजाक किया था, तुमने एंट्री थ्रू चोरी करवाई। अरे हम तो बाय मिस्टेक टावर के ऊपर गिर पड़े जब ये उसे चुरा के ले जा रहे थे और लोगों ने ये सोचा कि चोरी हमने की है। अरे चोरी करने के लिए थोड़ी ना बोला था। ये तो गलत बात हो गई। वापस करो कैसे भी करके। थैंक यू सो मच, तुमने मेरी बात रखी, पर मुझे नहीं चाहिए ये। I'm sorry बिपाशा, please don't mind। मैं सही गलत भूल गया था क्योंकि मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था, लेकिन अब चलो हम इसे वापस कर देंगे। चल चलो। ये क्या हो रहा है? मैं आपको सब बताता हूँ, चलो साइंटिस्ट। डॉक्टर झटका, आप टावर को ठीक से फिक्स कर दें। अभी लो यार। चलो। ये अभी हो जाएगा। ऐसा हुआ था। यकीन नहीं होता है कोई शादी में टावर ऑफ पिसा चोरी करके गिफ्ट देता है। पतलू थैंक यू वेरी मच, आपने सब ठीक कर दिया। आपने देश के मॉन्यूमेंट के साथ छेड़छाड़ की है, इसलिए आपको गिरफ्तार किया जाता है। शुक्रिया, क्या हम आपके लिए कुछ कर सकते हैं? हो सके तो साइंटिस्ट लवासा को कम से कम सजा दे, उन्होंने ये काम गलत भावना से नहीं किया था। थैंक यू मोटू पतलू, थैंक यू। ओहो, वो दीजिए। थैंक यू। मुझे एक ये दे दीजिए। लीजिए। थैंक यू, ये लीजिए। वेलकम। कितनी अच्छी जगह है। अरे वाह भैया। जल्दी नाटक शुरू करो। यस यस। मैंने तुमसे कहा था कि मुझे अपनी फैमिली के पास रशिया इसी वीक शिफ्ट होना है। अगर 1,00,000 यूरो में भी सेल होता है तो बिग व्हील को बेच दो। What are you saying, sir? Only 1,00,000 यूरो? बिग व्हील की डेली 3-4 लाख यूरो की इनकम हो जाती है। 1,00,000 में कैसे बेच दे? अगर मेरे पास 1,00,000 यूरो होते ना, तो मैं ये कब का खरीद लेता। तुमको नहीं बेचूंगा। मुझे एक ईमानदार और सच्चा आदमी चाहिए जो इसको अच्छी तरह से चला सके। भैया, फायर इज राइट हियर। आप लंदन आई पर चलकर पूरा लंदन में ढूंढेंगे ना, तो मुझ जैसा सच्चा और अच्छा बायर आपको नहीं मिलेगा। आप यहीं रुकिए, मैं यूं गया और अपने फ्रेंड्स के साथ बात करके यूं आया। सॉरी जेंटलमैन, पर अगर आप अपने फ्रेंड से बात करने गए और तब तक कोई दूसरा बायर आ गया, तो मैं ये डील उससे कर लूंगा। नहीं नहीं, आप ऐसा मत कीजिए। ये लीजिए पैसे, मैं चलता हूँ। अपने फ्रेंड्स को इतनी बड़ी गुड न्यूज़ जो देनी है। इतनी बड़ी डील की है, कम से कम पेपर्स तो लेते जाओ। जैकी, इस डील के पेपर्स इनको दे देना, मैं चलता हूँ। ये लीजिए बिग व्हील की कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स। अच्छा, ये जो सर गए उनका नाम क्या सरकार है? जय हो। लंदन आई पर खूब झूलूंगा, लोगों को झूला झूला कर लाखों यूरोस कमाऊंगा। पतलू पतलू मेरे दोस्त, अब हमारी जिंदगी के लिए खुशियां ही खुशियां होगी। अब हम लाखों यूरोस में डेली पैसे कमाएंगे। लाखों यूरोस? तुम्हारी ऐसी खुशी में मुझे अलर्ट का रेड सिग्नल दिखाई दे रहा है। क्या करके आए हो, जल्दी बताओ मोटू। अरे मैंने पूरे 1,00,000 यूरो में लंदन आई को खरीद लिया है। अरे
लंदन आई सरकार का एसेट है। अरे अरे जाता रहे हो तुम, उसे कैसे खरीद सकते हो? अरे पतलू, मैंने सरकार से ही इसे खरीद लिया है। लंदन आई तुम्हारा हुआ सरकार। एक बात बताओ, तुम्हारे पास 1,00,000 यूरो आए कहाँ से? अरे मेरे पास तुम लोगों ने ही तो रखवाए थे ना। और मारो। मोटू, तुम जिस सरकार का साइन किया हुआ पेपर लेकर खुश हो रहे हो ना, वो असल में चोर उचक्का है। उसका हुलिया याद करके बताओ, हम सब साथ चलकर उसे ढूंढेंगे। साथ चल के बोल के खुद ही निकल गए। अरे मुझे भी ले चलो। घूम के छोड़ेगा इधर। क्षमा कर दीजिए, क्षमा प्लीज। कहाँ गए, कहाँ ढूंढू? अरे मैंने बिग व्हील नहीं बिग बेन बोला था। ये बिग व्हील गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, उसे नहीं बेचना था। वो बिग बेन यानी वॉच टावर, टावर जिसमें घड़ी है, वो बेचना था। ओ, बिग व्हील नहीं बिग बेन। सॉरी सर, मेरे सुनने में ना थोड़ा मिस्टेक हो गया था। मैं अभी उस आदमी को ढूंढ के लाता हूँ और उसके सारे पैसे उसे रिटर्न करता हूँ। लेकिन कैसे करूँ, उन पैसों से रशिया का टिकट भी खरीद लिया सर। ओके, ऐसा करो, बिग बेन के लिए बायर ढूंढो, उसे 2,00,000 में बेचो, 1,00,000 उस आदमी को वापस करो और 1,00,000 मुझे दे दो। सर मैं यही हूँ, मेरा नाम मोटू है, प्लीज मेरे पैसे लौटा दीजिए प्लीज। मोटू जी काफी अच्छे इंसान है, क्यों ना हम वो बिग बेन इन्हें ही बेच दें? 2,00,000 की जगह इनसे 1,00,000 ही ले लेते हैं और वो अरबों रुपयों की प्रॉपर्टी इनकी हो जाएगी। अरबों की प्रॉपर्टी मेरी होगी सिर्फ 1,00,000 में, मंजूर है? जैकी, वो टावर इनको बेच दो। बाय मिस्टर मोटू, नाइस मीटिंग विद यू। मैं अभी 1,00,000 यूरो लेकर आता हूँ। आज मैं साबित कर दूंगा कि मैं ना समझ भोला और बुद्धू नहीं हूँ। रुक जा मोटू, रुक जा। मैं तो जाके रहूंगा, डील पक्की। अरे ये रहे आपके बाकी के 1,00,000 यूरो। तुम सच्चे तो हो ही, जुबान के भी बिल्कुल पक्के हो। वो वॉच टावर बिग बेन इज योर्स। कल सुबह हम इसी जगह प्रॉपर एग्रीमेंट की कॉपी तुम्हें दे देंगे। ये तो मिस्टर सरकार काफी शरीफ इंसान है, आपके पैसे पूरे वापस कर दिए। आजकल किसी पे इस तरह का भरोसा नहीं करना। हमारे जाते ही मन में 100 times बोलना, मैं किसी पे भरोसा नहीं करूँगा, मैं किसी पे भरोसा नहीं करूँगा, मैं किसी पे भरोसा नहीं करूँगा, मैं किसी पे भरोसा नहीं करूँगा। मोटू अब ये क्या नया नाटक है? वो बहुत ही अच्छे इंसान है, मैं उन्हें ढूंढ रहा था और वो मुझे ढूंढ रहे थे। उड़ी पापा, मेरा दिल बोलता है मोटू फिर से लूट गया। लूट नहीं गया, 2,00,000 का बिग बेन 1,00,000 में खरीद लिया। जी हाँ, मोटू बिग बेन कोई भी नहीं बेच सकता, तुमने प्रॉफिट नहीं हमारा डबल लॉस करवा दिया है। सॉरी पतलू, पर अब मैं क्या करूं, खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती, तुम ही कुछ सोचो ना। सबसे पहले उस आदमी को ढूंढना है। मोटू तुम हमारे साथ ही रहना। अरे अब चलो भी, चलो।
पतलू वो देखो वो आदमी खड़ा है, तुम्हें कुछ सोचो कि करना क्या है। आइडिया, सब सुनो। सर, आपने मुझे दो बार उल्लू बनाया। मेरे दोस्त कह रहे हैं कि बिग बेन कोई बेच नहीं सकता, वो तो गवर्नमेंट का है। प्लीज मेरे 2 लाख वापस कर दीजिए, प्लीज। अरे तुम ये क्या बोल रहे हो? एक्सक्यूज मी सर, मैं एक डायमंड ट्रेडर हूँ, यहाँ घूमने आया था, लेकिन किसी ने मेरा वॉलेट चोरी कर लिया। उसमें मेरे सारे पैसे कार्ड से जो चोरी हो गए, लेकिन मेरे पास एक रूप भी है जिसकी कीमत 25 करोड़ यूरो तक है। ये तो असली है, मेरा भी श्रीनगर में डायमंड्स का ही बिजनेस है। ये लो 1 लाख रुपए, ये मेरा हुआ, क्योंकि ये तो 25 करोड़ से भी ज्यादा का है। अरे मैं इसके 2 लाख दूंगा। मैं 10 लाख दूंगा। तो मैं 20 लाख दूंगा। ये लो पैसे। थैंक यू। बुद्धू है ये। Okay. मुझे ये रूबी बेचना है, इसकी कीमत कम से कम 25 करोड़ यूरो होनी चाहिए। ये क्या दे रहे हो? ओनली 25 यूरोस। बिल्कुल सही रेट दे रहा हूँ। ये रियल रूबी नहीं, ग्लास का नॉर्मल टुकड़ा है। क्या ये रूबी नकली है? इसका मतलब हम उल्लू बन गए। मोटू तो भोला है, लेकिन उसके दोस्तों को उल्लू बनाना आसान नहीं है। मेरे भोलेपन का तुमने बहुत फायदा उठा लिया, अब और किसी के साथ तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगा। इंस्पेक्टर, चलो अब बाकी डील जेल में जाकर करना। अरे घूरना बंद करो, पहले सब्सक्राइब करो।